हेलो एस्पायरेंट्स, आज के न्यूज़पेपर द हिंदू से हमने 9 करंट अफेयर्स आइटम सिलेक्ट किए। हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला न्यूज आइटम है जयललिता नो मोर। सो तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर जयललिता का देहांत हो गया है। उनको कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक आया था और उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने AIADMK जो पॉलिटिकल पार्टी है जिनकी वो लीडर थी, उसको काफी सारी सक्सेसेस में लीड किया था। उनको 2011 असेंबली इलेक्शंस, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में जिताया था, उनकी गवर्नमेंट थी। 2016 में जो अभी स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुई थी उसमें भी AIADMK की जीत हुई थी। 2014 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस में भी AIADMK ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। लोकसभा लोकल बॉडी इलेक्शंस में भी उसका प्रदर्शन अच्छा रहा है। जयललिता ने काफी सारे स्कीम्स लॉन्च किए थे। इनको ब्रांड अम्मा स्कीम्स कहा जाता था, जो 2011-2013 में लॉन्च किए गए हैं। जैसे कैंटीन स्कीम था, इसमें खाना 1 रुपए से 5 रुपए के बीच में प्राइस थी वस्तुओं की, खाने की वस्तुओं की, जो यहाँ पे रोज दिए जाते थे कस्टमर्स को इन कैंटीन स्कीम में। अम्मा स्कीम और एक थी अम्मा अश्योर्ड मैक्सिमम सर्विस टू मार्जिनल पीपल इन ऑल विलेजेस। ये स्कीम 2013 में लॉन्च हुई थी। इसके अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स और तहसीलदार को हर फ्राइडे विलेजेस, हर विलेज में विजिट करना होता है और उनके प्रॉब्लम्स को सुनना होता है, उनकी और उनका हल निकालना होता है। तो ये हर फ्राइडे का ये स्कीम के अंदर कंपल्सरी था। दूसरा था अम्मा वाटर स्कीम। इसके अंदर 1 लीटर बॉटल 10 रुपए में बेची जाती थी लॉन्ग डिस्टेंस बस स्टेशन पर। देन अम्मा सॉल्ट था, जिनकी ये 3 वैरायटी के सॉल्ट बेचे जाते थे जिनकी कीमत मार्केट प्राइस से आधी थी। फार्मेसी, अम्मा फार्मेसी, जिसके अंदर मेडिसिन 10-15% कम प्राइस में बेची जाती थी। और अम्मा सीमेंट करके एक स्कीम थी जिसके अंदर सीमेंट बैग भी हाफ प्राइस, मार्केट प्राइस से हाफ प्राइस में बेची जाती थी। इसके अंदर बेनिफिशियरीज पुअर होते थे क्योंकि ये सीमेंट स्मॉल हाउसेस बनाने के लिए बेची जाती थी। तो ये सारी स्कीम्स थी जो उन्होंने लॉन्च किया था। दूसरा न्यूज आइटम है अंसल्स अश्योर कोर्ट दैट दे विल नॉट लीव कंट्री। तो ये अंसल ब्रदर्स जो है बिजनेसमैन सुनील एंड गोपाल अंसल, ये उपहार सिनेमा के ओनर्स है। उपहार सिनेमा नई दिल्ली में एक सिनेमा था जहां पे 1997 में एक फायर ट्रेजेडी हुई थी जिसमें 55 लोग मर गए और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। तो ये फायर ट्रेजेडी जो थी ये नेग्लिजेंस की वजह से हुई थी और उपहार सिनेमा के ओनर्स को इसके अंदर गिल्टी पाया गया था। उनके ऊपर फिलहाल 2015 का जो सुप्रीम कोर्ट का लास्ट जजमेंट इस पे आया है, उस हिसाब से इनको 30-30 करोड़ फाइन देना होगा। तो टोटल 60 करोड़ फाइन है। तो लेकिन इसके ऊपर एक रिव्यू पेटिशन फाइल किया गया है, जो विक्टिम्स का ग्रुपिंग बना है उन्होंने एक रिव्यू पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है कि इसके ऊपर फिर से जांच की जाए इस सेंटेंस के ऊपर, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, बहुत लोगों की जाने गई थी। तो ये रिव्यू पेटिशन फाइल हुआ है। तो अंसल ब्रदर्स को कोर्ट ने कहा है कि वो ये कंट्री छोड़ के नहीं जा सकते जब तक रिव्यू पेटिशन सुना जा रहा है। तो ये एक ऑर्डर था। और उपहार सिनेमा फायरिंग के बारे में ये है कि ये हुआ था फ्राइडे 13 जून को 1997 में। इस फायर से पहले 3 से 6 का शो था शाम का, बॉर्डर मूवी का। इससे पहले सुबह में ही 7 बजे वहां पे एक फायर अलर्ट हुआ था। तो फायर लगा था ट्रांसफॉर्मर रूम में और इसके बाद फायर ब्रिगेड भी आई थी और वो फायर वर्क उन्होंने वहां किया था और उसके बाद ही 3 से 6 ये इंसिडेंट हुआ। तो नेग्लिजेंस जो था वो स्ट्रॉन्ग था यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि 1989 में भी एक फायर इंसिडेंट हुआ था उपहार सिनेमा में ही, और इससे पहले भी 1983 में भी 12 सिनेमा घरों के लाइसेंसेस कैंसिल कर दिए गए थे क्योंकि उनके वायलेशन ज्यादा थे। तो इवन डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस लाइसेंसिंग जो थे उन्होंने इंस्पेक्शन किया था और उपहार सिनेमा में लिस्ट किया था कि ये 10 वायलेशन है जिनके ऊपर इवन 14 साल बाद जब ये इंसिडेंट हुआ 1997 में तब तक भी कोई एक्शन नहीं लिया गया था। सो नेग्लिजेंस स्ट्रॉन्ग था यहाँ पर। तो केस बना है और सजा भी हुई है। तो अर्लियर दे वर गिवन इवन 2 ईयर सेंटेंस एज सच टू, तो वो सेंटेंसेस लेटर उनको ये सिर्फ फाइन पे आ गया था। तो अभी रिव्यू पिटिशन फाइल हुआ है। ये सारा उसकी हिस्ट्री है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कब हुआ और फाइनल क्या जजमेंट है वो इम्पोर्टेंट है।
दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस भी दिए हैं कि सिनेमा घरों में क्या जांच होनी चाहिए, तो इंस्पेक्शन हर 6 महीने में इंस्पेक्शंस होनी चाहिए सारे सिनेमा घरों की, ऑफिशियल्स को ये करना चाहिए, हर साल एक मॉक फायर ड्रिल होना चाहिए हर सारे सिनेमा घरों में, और जो मल्टीप्लेक्सेस है वो सिंगल थिएटर सिनेमा हॉल से अलग होते हैं तो उनके लिए सेपरेट रूल्स होना चाहिए इन सब सिक्योरिटी पर्पजेस के लिए। तो ये सारे है, इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान पूरा अप्रूव होना चाहिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी से, हर स्टाफ मेंबर को पता होना चाहिए कि इवैक्यूएशन प्रोसीजर क्या है, उनको ये ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है डायरेक्शंस सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। दूसरा न्यूज आइटम है, सेंटर नॉट टू मेक सिंगिंग ऑफ द नेशनल एंथम कंपल्सरी इन गवर्नमेंट स्कूल्स। तो हमको नेशनल एंथम के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था रिसेंटली कि मैंडेटरीली कंपल्सरीली सब सिनेमा घरों में ये प्ले होना चाहिए मूवी से पहले, तो सेंटर को एक क्वेश्चन पूछा गया लोकसभा में कि क्या ये नेशनल एंथम सिंग करना गवर्नमेंट स्कूल्स में कंपलसरी बनाएगी, तो उसके ऊपर सेंटर ने जवाब दिया है कि नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत और इवन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल 51A जो फंडामेंटल ड्यूटी है, ड्यूटी इज टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और आरटीई बोलता है कि वी शुड कंफर्म बाय द वैल्यूज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो रिस्पेक्टिंग द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम इन प्रोविजंस के बेसिस पे कंपलसरी किया जा सकता है। बट क्योंकि सारे गवर्नमेंट स्कूल्स मेजरली स्टेट्स के अंदर ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरी वहां पे गवर्नमेंट्स ये डिसीजन ले सकती है कि उनको कंपलसरी करना है या नहीं, क्योंकि एजुकेशन एज सच भी कनकरेंट लिस्ट में है, तो वो दोनों का ज्यूरिसडिक्शन बनता है। जब कनकरेंट लिस्ट में कोई आइटम होता है तो उसके ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों का ज्यूरिसडिक्शन है, तो स्टेट्स के अंदर जब स्कूल्स है तो स्टेट्स ही एक्शन ले, ऐसा सेंटर का मानना है अगर वो चाहे तो। दूसरा न्यूज आइटम है, इंडिया टू ट्रेन वियतनाम सुखाई फाइटर पायलट्स। सो इंडिया और वियतनाम दोनों कंट्रीज सुखोई फाइटर प्लेन्स यूज करती है जो रशियन मेड है, दोनों के पास मॉडल्स अलग है पर उनका कॉन्फ़िगरेशन स्लाइटली डिफरेंट है, तो ज्यादा फर्क नहीं है। तो वियतनाम चाहती है कि इंडिया उनके फाइटर पायलट्स को सुखोई फाइटर पायलट्स को ट्रेन करे। तो इंडिया वियतनाम के रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं स्पेशली इन डिफेंस सेक्टर। इंडिया ने $500 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया है वियतनाम को डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स के लिए कि वो डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीद सके। तो उन्होंने कहा है कि ये जो ट्रेनिंग होगा इसके लिए इस लाइन ऑफ क्रेडिट को यूज नहीं किया जाएगा, और ऑलरेडी इंडिया और वियतनाम का कॉपरेशन है क्योंकि इंडिया वियतनाम सेलर्स को ट्रेन करती है इन ऑपरेटिंग किलो क्लास सबमरीन। सो ये जो किलो क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन से ये भी बोथ इंडिया एंड वियतनाम यूज करते हैं, तो ये कॉपरेशन ऑलरेडी है। नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर भी वियतनाम को विजिट कर चुके हैं इन September 2016। तो कॉपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज इज स्ट्रॉन्ग स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ चाइना, जो साउथ चाइना सी डिस्प्यूट है जिसमें चाइना क्लेम करती है पूरा साउथ चाइना सी, तो वियतनाम के भी यहाँ क्लेम्स है एंड इंडिया का स्टैंड है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑफ द सीज अपहोल्ड करना चाहिए, हर कंट्री का राइट है हाई सीज पे, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से वियतनाम और इंडिया क्लोज आए हैं। तो आप देख सकते हैं ये साउथ चाइना सी है, वियतनाम यहाँ है, इंडिया यहाँ है, तो ये जो साउथ चाइना सी डिस्प्यूट भी है यहाँ पे ये आइलैंड्स है, काफी सारे अनइनहैबिटेड आइलैंड्स भी है, पेरासिल आइलैंड्स, पाटली आइलैंड्स, कार्बोलो आइलैंड्स, ये जो सारे आइलैंड्स है चाइना क्लेम करती है ये उनके है, तो क्योंकि ये आइलैंड्स उनके है तो उस हिसाब से वाटर बॉडी वाटर अक्रॉस दीज आइलैंड्स भी उनका कंट्रोल होगा। तो चाइना का क्लेम है कि ये पूरी रेड लाइन जो है ये पूरा उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ये उनका टेरिटोरियल वाटर है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द लैंड, उतना डिस्टेंस वहां तक का कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। ये यूएन क्लॉज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के अंडर प्रोविजन है, तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज किया जाता है। तो हर कंट्री का एक ईईजेड होगा, मैक्सिमम ये 200 नॉटिकल माइल्स तक जाता है। तो अगर दो कंट्रीज काफी क्लोज है तो इसका मिड पाथ यूज किया जाएगा, जैसे दो कंट्रीज की लैंड एरिया के बीच में 300 नॉटिकल माइल्स का डिफरेंस है तो दोनों 200-200 नहीं ले सकते, वैसे ओवरलैप होगा, तो मिड लाइन यूज की जाएगी, मतलब दोनों को 150-150 मिलेगा। तो इस हिसाब से भी जो चाइना का क्लेम है ये सही साबित नहीं होता है, ये अनजस्टिफाइड है। और वियतनाम वगैरह सारी जो कंट्रीज है यहाँ पे, फिलीपींस है, ब्रूनी, मलेशिया, सबके यहाँ पे क्लेम्स है, तो ये उनके ईईजेड जो वो क्लेम करते हैं वो ये दिखाए गए ब्लू लाइन से।
तो ये साउथ चाइना सी डिस्प्यूट है बिटवीन दीज कंट्रीज. देन द नेक्स्ट न्यूज आइटम इज प्रपोजल टू अमेंड लॉ फॉर कैशलेस वेज पेमेंट. सो जो पेमेंट ऑफ वेजेस होती है वो कैश से होनी चाहिए. ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है 1936 का, तो इसके सेक्शन 6 में है कि ऑल पेमेंट ऑफ वेजेस शुड बी मेड इन कैश. अगर एम्प्लॉयर को अपने वर्कर को बाय चेक या बाय अकाउंट ट्रांसफर करके पेमेंट करना है तो उसके लिए वो वर्कर की रिटन परमिशन देनी होगी. तो ऐसा ये सेक्शन 6 है. तो यूनियन लेबर मिनिस्ट्री अब चाह रही है कि ये सेक्शन 6 को अमेंड किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा स्टैंड अभी रिवर्स है, उनको कैशलेस पेमेंट प्रमोट करना है. तो इसीलिए एक अमेंडमेंट प्रपोज होगा इसके लिए. देन नेक्स्ट न्यूज आइटम है पॉपुलिस्ट विन इटली वोट, प्राइम मिनिस्टर रेंजी टू क्विट. सो इटली में एक रेफरेंडम हुआ था, क्योंकि इटली एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करना चाहती थी जो पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाया, इसलिए उसको पास हो पाया विथ नॉट द रिक्वायर्ड टू थर्ड मेजोरिटी. तो इसलिए उसको रेफरेंडम के लिए डाला गया, मतलब पीपल उसके ऊपर वोट करेंगे कि वो क्या चाहते हैं, वो अमेंडमेंट को एक्सेप्ट करते या रिजेक्ट. सो ये रेफरेंडम का रिजल्ट आया है और इसमें लोगों ने ये अमेंडमेंट्स रिजेक्ट किए हैं. तो ये जो सारे अमेंडमेंट्स थे वो यहाँ लिखा हुए है. तो ये 5-star मूवमेंट था, एंटी यूरोप लीडर जो है उन्होंने ये नो कैंप स्पियरहेड किया था, उसको लीड किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए नहीं कहना है, और वो लोग जीते हैं. तो आफ्टर विनिंग दिस रेफरेंडम अब आगे क्या होगा? तो रेफरेंडम में अगर प्राइम मिनिस्टर का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर को क्विट करना होगा, रिजाइन करना होगा, पर वो उनकी चॉइस है. उन्होंने डिसाइड किया है कि सिंस रेफरेंडम में रिजेक्ट हो गया है ये अमेंडमेंट, तो द प्राइम मिनिस्टर विल रिजाइन. सो इन दैट केस न्यू गवर्नमेंट वुड बी फॉर्म्ड, या तो फिर फ्रेश पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो गए, क्योंकि इलेक्शंस शेड्यूल थे 2018 के लिए, तो हो सकता है वो अब 2017 में हो. तो ये अमेंडमेंट्स थे, वो सारे अमेंडमेंट्स अपर हाउस जो है पार्लियामेंट इटली का, सेनेट जो है वो, जैसे राज्यसभा इंडिया में होता है वैसे इटली में अपर हाउस सेनेट जो कहते हैं, उसके पावर्स को कम करने के लिए था. तो नंबर ऑफ सेनेटर्स को भी कम करना था, 100 लोग हो गए रादर देन 315. इवन उनके राइट टू होल्ड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को निकालना था कि नो कॉन्फिडेंस वोट सेनेट में ना हो पाए. और इलेक्शंस से जो सेनेट मेंबर्स आते थे उनकी जगह पे प्रेसिडेंट उन्हें सिलेक्ट करे, ऐसा एक प्रपोजल था. तो ये सारे अमेंडमेंट्स अभी रिजेक्ट हो चुके हैं. तो ये इसको एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट सेंटिमेंट भी बोला जा रहा है कि जो गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड है उनके अगेंस्ट लोग खड़े रहते हैं. तो ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट सेंटिमेंट जो है हम देख रहे हैं ऑल अक्रॉस EU कि गवर्नमेंट्स के जो प्रपोजल्स होते हैं उनको रिजेक्ट किया जाता है. जैसे ब्रेग्जिट हो गया नो वोट, इवन जर्मनी में एंजेला मर्केल, उनको भी काफी सारे प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ रहा है. तो ये सारे चीजें EU में हो रही है जो EU को मे बी वीकन कर दे. तो ये है रेफरेंडम के रिजल्ट की वजह से क्या क्या पॉसिबिलिटीज है. तो अगर ये थोड़ा टाइम पहले का था, तो अगर यस आया तो क्या होगा, रेफरेंडम में यस होता तो वो अमेंडमेंट पास हो जाता, अगर नो है तो या तो प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करे या ना रिजाइन करे. सो अगर रिजाइन करेंगे तो इलेक्शंस कब होंगे, लॉ का क्या स्टेटस होगा, उसके बारे में यहाँ दिया गया. इतना ज्यादा डिटेल्स में जरूरी नहीं है, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड आप देख सकते हो. ये है EU, यूरोपियन यूनियन. तो ये सारे कंट्रीज जो EU के मेंबर्स है, इम्पोर्टेंटली यू शुड रिमेम्बर कि ये जो नॉर्वे है, नॉर्वे EU का मेंबर नहीं है, स्विट्जरलैंड EU का मेंबर नहीं है. तो ये सारी कंट्रीज आपको ध्यान में रखनी है. इटली यहाँ है मेंबर ऑफ EU. फिर नेक्स्ट न्यूज आइटम है राजपक्सा स्लैम्स ड्राफ्ट प्रपोजल फॉर कॉन्स्टिट्यूशन. ये श्रीलंका के फॉर्मर प्रेसिडेंट है महिंद्रा राजपक्सा, वो अभी बात कर रहे हैं श्रीलंके के प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. तो श्रीलंका अपने लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है. श्रीलंका का लेटेस्ट डेवलपमेंट ये था कि LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, जो एक उनके हिसाब से डिक्लेयर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, उसके अगेंस्ट वो लोग एक वॉर फाइट कर रहे थे. और इस वॉर में इवेंचुअली जो लंबा सिविल वॉर चला फाइनली एंड हुआ है, LTTE को एलिमिनेट कर दिया गया 2009 में, फुल आर्मी फोर्स यूज्ड बाय श्रीलंका, एंड अब LTTE नो लॉन्गर एग्जिस्ट करती है. तो जो LTTE रीजन्स थे जहाँ पे वो स्ट्रांग होल्ड था उनका, तो ये तमिल रीजन्स थे. तो तमिलियंस जो है वो एक माइनॉरिटी है. तो ये LTTE कंट्रोल्ड एरियाज ये थी, नॉर्थर्न एंड
ईस्टर्न प्रोविंसेस, तो यहाँ पे तमिल मेजॉरिटी में है, तमिल पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट है, और ये ऑल ओवर श्रीलंका में माइनॉरिटी है. तो अगर आप श्रीलंका की पॉपुलेशन कंपोजिशन देखेंगे तो मोर देन 74% इज सिन्हालीज, और जो 11.2% है वो श्रीलंकन तमिल है, 4.2 इंडियन तमिल्स भी है. तो ये एक माइनॉरिटी है यहाँ पे, और एलटीटी का डिमांड ये था कि ये सारा रीजन तमिल एलम बने. तो उनका ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, हालांकि एलटीटी ने काफी आर्म्स कलेक्ट किया था. देयर वर इवन चाइल्ड सोल्जर्स एंड मेनी एट्रोसिटीज वर आल्सो कमिटेड फ्रॉम बोथ साइड्स. एलटीटीई और गवर्नमेंट दोनों ने, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने, दोनों ने इस सिविल वॉर और वॉर के टाइम पे एट्रोसिटीज कमिट की है. सो देर इज अ नीड फॉर रिकॉन्सिलिएशन ऑल्सो. तो इसीलिए श्रीलंका एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रही है खुद के लिए. और इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो दो मेजर प्रोविजन्स है ऐड करने, वो है कि प्रोविंशियल काउंसिल्स होगी, और इसमें इंडिया का भी एक रोल है, हम वो बाद में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में. तो प्रोविंशियल काउंसिल्स होनी चाहिए क्योंकि ये उनका डिमांड था. फेडरलिज्म, यूनिटरी गवर्नमेंट होगी तो सिंहला मेजोरिटी होगा श्रीलंका में. अगर फेडरल गवर्नमेंट होगी, अगर प्रोविंसेस को भी पावर्स मिलेंगे, तो जो ये तमिल माइनॉरिटी रीजन है, माइनॉरिटीज को भी पावर्स मिलेंगे. तो उनका डिमांड फेडरलिज्म ही होता है. बट महिंद्र राजपक्षे प्रेजेंटली बोल रहे हैं कि हमारा मॉडल इंडिया है, सो इट शुड बी अ फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर. तो जो प्रोविंसेस में गवर्नर्स अपॉइंट होंगे वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, वो सिर्फ एजेंट्स ऑफ सेंटर होने चाहिए, जैसे इंडिया में है. तो वो इंडिया का नाम यूज करके ये पॉइंट रख रहे हैं और चाह रहे हैं कि ये ज्यादा पावर्स गवर्नर्स को प्रोविंसेस में नहीं दिया जाए. तो ये उनका मानना है. ऑल्सो दूसरा मेन प्रोविजन है कि तमिल और सिन्हाला दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज मानना है. तो ये भी एक प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में. तो इसमें इंडिया का रोल भी है, क्योंकि इंडिया और श्रीलंका ने एक अग्रीमेंट साइन किया था, दिस इज कॉल्ड इंडो श्रीलंका पीस अकॉर्ड 1987 में. बिकॉज जो एलटीटीई थी उसको इंडिया से भी सपोर्ट मिलता था, क्योंकि ये तमिल माइनॉरिटीज है, तमिलनाडु गवर्नमेंट जनरली उनको सपोर्ट किया करती है, तमिलनाडु में उनका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता था. तो इंडियन गवर्नमेंट का भी कुछ हद तक सपोर्ट था. बट देन 1987 में श्रीलंका के रिक्वेस्ट पे इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड साइन हुआ, जिसके हिसाब से हमको एलटीटीई को मनाना था कि वो आर्म्स गिव अप करे, और एलटीटी मान भी गई थी कि पीसफुली इसका रेजोल्यूशन किया जाए. बट बाद में देखा गया कि एलटीटी ने कहा नहीं, हम वॉर एंड नहीं करेंगे, वील कंटिन्यू टू फाइट. तो इस वजह से इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को श्रीलंका में लाया गया टू कंटेन एलटीटी, और उन्होंने भी एलटीटी के साथ फाइट किया. ये ऑपरेशन एक कंडक्ट किया गया, ऑपरेशन पवन. तो इसके अंदर ये जाफना रीजन जो है श्रीलंका में, जहाँ तमिल एलम था, वहां पे ये ऑपरेशन किया गया. और श्रीलंका ने भी इसमें अग्री किया कि वो लोग एक अमेंडमेंट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, ताकि प्रोविंशियल काउंसिल्स एस्टैब्लिश हो सके और तमिल और सिन्हाला दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया जाए. तो ये ऑलरेडी अमेंडमेंट किया गया था, जो फॉर्मर कॉन्स्टिट्यूशन जो है श्रीलंका का, ये नया बन रहा है. जो पुराने कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट किया गया था, इसको 13th अमेंडमेंट बोलते हैं, 13th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका. तो ये इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड के बेसिस पे ही हुआ था. तो उसके हिसाब से दो मेजर प्रोविजन्स थे कि प्रोविंशियल काउंसिल्स बने जिनको पावर दिया जाए, और दोनों लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाए. तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इसमें आए, क्योंकि अमेंडमेंट तो हो गया, लॉ आ गया, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया. तो वो प्रॉब्लम था, अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, क्योंकि उसके लिए पावर्स डिवॉल्व करना है, फाइनेंशियल पावर्स देना है, पुलिस सेपरेट करना है टू द प्रोविंसेस. सो वो सारे प्रॉब्लम्स आए थे इसमें. तो फिलहाल ये जो है 2009 में जब एलटीटी फाइनली वाइप ऑफ हो गया है श्रीलंका से, तो उसके बाद नए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत पड़ी और उसके लिए वर्क चालू है. अगला न्यूज आइटम है, रिसर्चर्स अडॉप्ट नॉवल अप्रोच टू ड्रग डिस्कवरी. तो ये रिसर्चर्स है दिल्ली से, जो एक तरीका ढूंढ रहे हैं कि ड्रग, नया ड्रग बनाना है कोई डिजीज के लिए, नया मॉलिक्यूल बनाना है, तो वो कैसे किया जाए, ट्रायल एरर ना हो, कोई तरीका हो, सिस्टम हो. तो ये सिस्टम ये लोग रिसर्च कर रहे हैं फॉर डिजीजेस कॉज ड्यू टू वर्म्स. सो राउंड वर्म और ये जो किस्टोसोमा फ्लैट वर्म है, ये दो पैरासाइट्स की वजह से जो डिजीजेस होते हैं, उसके लिए वो लोग एक ड्रग मॉलिक्यूल डिस्कवर कर रहे हैं. तो इसके ये जो डिजीजेस है, वर्म बेस्ड डिजीजेस, ये जनरली अफ्रीकन कंट्रीज में ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जिस वजह से फार्मास्यूटिकल कंपनीज यहाँ नहीं इसमें हाथ डालती, वो ये ड्रग्स नहीं डेवलप करती, क्योंकि ये कोई प्रॉफिट मेकिंग एवेन्यू नहीं है. अफ्रीकन कंट्रीज में ही ज्यादा ये ड्रग्स सेल किए जाएंगे. तो ये बात भी है. और अभी जो इन्होंने किया है वो ये कर रहे हैं कि एक
एंजाइम ग्रुप है ये, एमिनोसाइल टीआरएनए सिंथेसिस। तो ये जो है दोनों पैरासाइट्स में पाया जाता है, इवन मलेरिया में भी सम एक्सटेंट तक पाया जाता है। तो ये इसका जेनेटिक कंपोजिशन काफी सिमिलर है, तो ये काफी चीजों में डिजीजेस के लिए यूज किया जा सकता है। तो इसका एंजाइम्स होते हैं, देयर आर 20 मेंबर एंजाइम्स इन दिस फैमिली, तो सारे 20 अवेलेबल होने चाहिए। तो ये एंजाइम से प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो ये एंजाइम्स में से कोई भी अगर नहीं है तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाता। तो जो ये ड्रग्स बना रहे हैं ये इन वर्म्स के ये ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं कि यहाँ पे टारगेट किया जाए, इसके एक एंजाइम पे भी टारगेट किया जाए और ड्रग सक्सेसफुल होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा और ये वर्म्स को अफेक्ट कर सकता है, तो डिजीज कैन बी क्योर्ड, दीज वर्म्स कैन बी एलिमिनेटेड। तो ऐसा एक रिसर्च ये कर रहे हैं। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट, ये रिसर्च से ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि हमको डिजीजेस के बारे में पता हो, वर्म बेस्ड वर्म कॉजिंग कौन से है ये डिजीजेस। तो ये जो फ्लैट वर्म्स और राउंड वर्म्स जो है ये काफी सारी डिजीजेस के रीजंस है, और भी है टेप वर्म, ये भी पैरासाइटिक वर्म्स है जिसकी वजह से डिजीजेस होती है। तो ये जो मेजर डिजीजेस है ये ट्रॉपिकल एरियाज में होती है, और ये जो फ्लैट वर्म बेस्ड डिजीजेस है फ्रेश वाटर में, राइस पैडी फील्ड्स में होती है, क्योंकि राइस पैडी फील्ड्स में लोग पानी मडी वाटर में अपने पैर डुबो के काम करते हैं, तो उन लोगों को ये ज्यादा इन्फेक्ट करती है। ये है स्किस्टोसोमा, सो ये जनरली यहाँ पे होती है, इन लोगों में होती है। और एक डिजीज है एलिफेंटाइसिस, तो इसमें जो पैर है ये ऐसे सूज जाते हैं, स्वोलन हो जाते हैं लाइक एन एलिफेंट लेग। तो ये भी फ्लैट वर्म, सॉरी राउंड वर्म कॉज डिजीज है, और जो स्किस्टोसोमासिस था वो फ्लैट वर्म कॉज डिजीज है। यहाँ पे उसका मैप भी दिया गया, तो आप देख सकते हैं ये अफ्रीका में ज्यादा होती है, हाई रिस्क एरियाज अफ्रीका में है मेजरली। फिर दूसरा लास्ट न्यूज आइटम है, जापानीज वॉर वेटरन रिमेम्बर्स शॉकिंग असॉल्ट ऑन पर्ल हार्बर। तो जो पर्ल हार्बर में अटैक हुआ था 1941 में, दिसंबर 1941, जापानीज प्लेन्स ने यहाँ पे पर्ल हार्बर पे अटैक किया था, और ये पर्ल हार्बर है हवाई में यहाँ पे, तो ये हवाई आइलैंड जो है ये यूएसए को ही बिलोंग करते हैं, यहाँ पे पर्ल हार्बर है, यहाँ पे यूएस का नेवल बेस है। तो जापान ने यहाँ पे अटैक करवाया था, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है। तो पर्ल हार्बर के अटैक के बाद यूएस को काफी नुकसान भी हुआ, क्योंकि सडन अटैक था, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड। तो इस वजह से यूएसए ने भी डिसाइड किया कि हमको भी इसका रिस्पॉन्ड करना है इसको। तो ये पर्ल हार्बर अटैक के बाद जिसमें काफी सारी शिप्स यूएस की सिंक की गई, काफी डैमेज हो गई, काफी को डिस्ट्रॉय भी किया गया, इसके बाद ये 1941 अटैक के बाद जो यूएस ने किया वो था 1945 में एटम बॉम्ब विच वर ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ। सो जापान फाइनली गेव अप एंड द वर्ल्ड वॉर एंडेड। तो ये है हिरोशिमा नागासाकी यहाँ पे जापान में। तो ये जो दो बॉम्ब थे ये 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे बॉम्ब, एटम बॉम्ब फेंका गया था। ये यूरेनियम बेस्ड एटम बॉम्ब था, ओनली एटम बॉम्ब एवर बीन यूज इन द वर्ल्ड। तो ये हिरोशिमा नागासाकी में 1945 में हुआ था। ये जो बॉम्ब था इसको निकनेम दिया गया था लिटिल बॉय, सो लिटिल बॉय ये 13 किलो टन्स का बॉम्ब था, 13 to 15। जो दूसरा था वो था फैट मैन, सो जो नागासाकी पे फेंका गया। तो ये दो 1945 बॉम्ब्स के जो पोटेंशियल है वो ये है, और जो आज की डेट में जो बॉम्ब्स है एटम न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो यूएस और रशिया के पास है उनका वेटेज एंड पोटेंशियल कितना है आप देख सकते हो। सो इफ न्यूक्लियर वेपन्स आर एवर यूज्ड अगेन वो बहुत ही ड्रास्टिक हो गए। इवन हिरोशिमा नागासाकी की वजह से जो डेथ्स हुई है 1,40,000 पीपल डाइड इमीडिएटली एंड समटाइम लेटर ड्यू टू द रेडिएशन। 67% बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गई। जो टेम्परेचर हुआ अटैक की वजह से, जो एक्सप्लोजन की वजह से, वो था 3,000 to 4,000 डिग्री सेल्सियस एट द सेंटर, ब्लास्ट सेंटर। बहुत पावरफुल अटैक था। तो इसकी वजह आज के जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स अगर अटैक हुए कभी तो दैट विल बी अ कंप्लीट डिजास्टर। तो यही है, ये दो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स है जो वर्ल्ड हिस्ट्री परस्पेक्टिव से आपको पता होने चाहिए। तो आज के यही न्यूज आइटम्स थे, थैंक यू। ये सारा न्यूज एक पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड होता है वेबसाइट पे, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप ये फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स लेकिन इंग्लिश में ही है, हिंदी में अवेलेबल नहीं हो सकते, आप उसको ट्रांसलेट करना चाहे तो कर सकते हैं। थैंक यू।